नमस्कार, इस वीडियो में YouTube के लिए थंबनेल कैसे बनाएं, कौन से एप्लीकेशन से बनाएं, बिल्कुल इजी तरीके से, वो भी फ्री में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप YouTube थंबनेल को बना सकते हैं। देखिए होता क्या है कि आपका वीडियो कितनी भी अच्छी हो, अगर वीडियो के ऊपर कोई थंबनेल ना लगा हो, यानी जब थंबनेल आपका अच्छा होगा, यानी वीडियो में कुछ और होगा, थंबनेल पर कुछ और होगा, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो थंबनेल कैसे बनाया जाता है और कौन से एप्लीकेशन से, और बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल HD क्वालिटी में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। उसके सारे टूल्स कैसे काम करते हैं, उनके टूल्स के बारे में बताएंगे, जो एप्लीकेशन का टूल्स है, कौन से टूल्स से क्या होता है और उसको कैसे आप सेट करेंगे, कैसे कस्टमाइज करेंगे, उसके बाद उसको कैसे डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर उसे अपलोड करेंगे। तो पूरे इस वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल इजीली तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे, उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आपके अपनी भाषा में। तो चले आइए मोबाइल स्क्रीन पे, और मोबाइल स्क्रीन पे जैसे आप आएंगे गूगल के प्ले स्टोर से, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। ये बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल HD क्वालिटी में इस एप्लीकेशन से आप अपने YouTube के लिए थंबनेल बना सकते हैं। इसी थंबनेल को आप Facebook पेज पर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो कोई बैनर भी बनाना होगा, किसी हैप्पी बर्थडे का लेके, किसी शादी की सालगिरह को लेके, या कोई कहीं किसी कार्यक्रम का, तो इसी एप्लीकेशन से आप अपने मोबाइल से ही बिल्कुल HD क्वालिटी में एक थंबनेल बना सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब हमने गूगल प्ले स्टोर से पिक्सल लैब को हमने डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही डाउनलोड हो, ये ऊपर वाले जो दिख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने डाउनलोड कर रखा है, हम इसे ओपन करते हैं। आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये बाय डिफॉल्ट रूप से ऐसे ही दिखता है। अब आपको इसी को सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपने थंबनेल का साइज लेना होगा यूट्यूब का, या कोई बैनर बना रहे हैं उसका साइज लेना होगा। तो साइज लेने के लिए करना क्या होगा, जो ऊपर 3 बिंदु दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, और इमेज साइज दिख रहा है, इमेज साइज पे क्लिक कीजिए। अब ये बाय डिफॉल्ट रूप 1280x1280 का एक इसने साइज बना रखा है, लेकिन आपको यूट्यूब के लिए एक थंबनेल बनाना है, तो इस पर कस्टम पे क्लिक जब करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे यूट्यूब थंबनेल लिखा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो थंबनेल का साइज हो जाएगा, अपने आप इसे क्रिएट कर देगा। लेकिन आपको स्क्वायर बनाना है, आपको फेसबुक आल्ट कवर बनाना है, जो कुछ बनाना है आपको यहीं से बनेगा। आप साइज को घटा बढ़ा सकते हैं यहीं से। तो चूंकि हम यूट्यूब थंबनेल के बारे में बता रहे हैं, तो थंबनेल पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखिए ये यूट्यूब का थंबनेल का साइज हो गया। अब सबसे पहले करना क्या है कि जो न्यू टेक्सचर लिखा है ना, इसको डिलीट कर देना है। ऊपर जो डिलीट का बटन दिख रहा है ना, इस पर करके इसको डिलीट कर दीजिए। बिल्कुल ब्लैंक हो गया ये। अब आपको सबसे पहले कलर चूज करना है अपना। अगर आप इसी कलर पे बनाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अगर कलर चेंज करना है इसका, तो आप कलर चेंज कीजिए। आपको कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, और ये जो कलर दिख रहा है, कलर पे क्लिक कीजिए ना है, और आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए कलर का, उस कलर को, यहाँ पे बहुत सारे कलर यहाँ पे बने हुए हैं। आपको बाय डिफॉल्ट रूप में कोई एक कलर जो आपको पसंद आए, आपके यूट्यूब का अच्छा हो, उसी थंबनेल को आप, उसी कलर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे यहाँ पे सही के निशान पर लगा के इसको सही कर देता हूँ। ये तो हो गया थंबनेल का बैक कलर। अब इस पर कुछ लिखना है आपको, तो ये ऊपर जो प्लस का निशान दिख रहा है, इस प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप क्लिक करके, और यहाँ पे जो कुछ लिखना है आपको अपने वीडियो के बारे में, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब, और यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे अब इसको सरका के यहाँ ले आएंगे। अब देखिए, अब ये तो हल्का सा पतले कलर में है, अब इसको हमें बोल्ड कैसे करना है, इसमें कलर कैसे डालना है, अब इसको हम बताएंगे आपको। अब यहाँ जो ए दिख रहा है, ए पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको एडिट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आपको लग रहा है कि स्पेलिंग गड़बड़ है, तो पहला क्या है, एडिट है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये सही है, हम चेंज नहीं करेंगे। अब यूट्यूब पे आ जाएंगे, और अब ये दूसरा क्या है, डिलीट का है। आपको लग रहा है कि अगर ये गलत शब्द लिख दिया हमने, तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप इसको दोबारा फिर यूट्यूब लिखना है, तो कॉपी करके फिर से यूट्यूब लिख सकते हैं। अब इसको हम सबसे पहले बोल्ड करेंगे, तो बोल्ड में इधर जब चले आएंगे तो देखिए बी लिखा होगा यहाँ पे बी स्टाइल है, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। अब चाहे अगर आपको फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, तो ए बी लिखा है ना, इस पर क्लिक करके बहुत सारे फॉन्ट बाय डिफॉल्ट में आप कोई भी फॉन्ट आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉन्ट आप लगा सकते हैं यहाँ से, कोई जरूरी नहीं कोई फॉन्ट हो। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये डिजाइन वाला चुनना है, ये देखिए ओके कर दीजिए, ये डिजाइन बदल गया आपका। तो जैसा आपको लगाना है वैसा कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गड़बड़ है, तो ये जो ऊपर
एरो का निशान दिख रहा है ना घुमा हुआ, इस पर क्लिक करके इसे वापस उसी मोड पे आ जाएंगे। हम इसको बोल्ड कर देते हैं, 20 से हमें बोल्ड ही पसंद आता है तो हम बोल्ड कर देंगे और यहाँ से सही का निशान लगा देंगे। ये तो हो गया हमारा यूट्यूब। अब इसको, अब ये समझ लीजिए इसको कलर को चेंज करना है यूट्यूब का, किसी और कलर में हमें लिखना है तो हम पीछे यहाँ से सरकाते हुए आएंगे और कलर दिख रहा है ना, कलर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है हम ब्लू लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं, हरा ग्रीन कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद आए वो करिएगा। लेकिन चूंकि ब्लैक पे व्हाइट ही पसंद आता है, व्हाइट ही अच्छा लगता है तो हम व्हाइट ही चूज कर लेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसका साइज घटाना बढ़ाना होता है तो मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए साइज लिखा है टी पे, अब इसको यहाँ पे प्लस करेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। अब जैसे इसको सरकाएंगे, देखिए देखिए ऐसे सरका रहे ना, अब ये साइज बड़ा हो गया। अब इसको हम यहाँ सेट कर सकते हैं यूट्यूब। अब आपको लग रहा है कि यूट्यूब के जो पीछे का बैकग्राउंड है केवल उतना ही चेंज करना है, तो आपको करना क्या है, फिर से यूट्यूब पे क्लिक कीजिए, इधर सरकाते हुए चले जाइए। अब इधर टी पे लिखा है ना बैकग्राउंड, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसे इनेबल कीजिए और नीचे देखिए बहुत सारे कलर आ गए हैं, आप इसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको लाल करना चाह रहा हूँ, ये देखिए लाल हो गया। अब इधर जो खाली जगह दिख रहा है लेफ्ट साइड में, अब नीचे देखिए जब सरकाएंगे ना तो पूरा भर जाएगा। आप चाह रहे हैं कि ये पूरा लाल हो जाए, पूरा आगे तक रेड हो जाए, तो राइट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा रेड हो गया। आप चाह रहे हैं कि नीचे तक और आए ये, तो यहाँ पे देखिए ये बॉटम पेंडिंग है, इसको जब नीचे लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। जहां तक आपको करना है यहाँ तक आप कर सकते हैं इसको, और सही का निशान यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा हाँ, एक अब चीज और है रिड्यूज का, अगर आपको लग रहा है कि हमें रिड्यूज का लग रहा है तो आपको लग रहा है कि इसमें क्या है ना थोड़ा सा गोलाकार बना देगा ये रिड्यूज पे जब क्लिक करेंगे। देखिए पीछे देखिए ये बाय डिफॉल्ट रूप में थोड़ा सा जो राउंड शेप में कर दिया इसने। अब हम इसको सही का निशान लगा देंगे, जैसा आपको करना है कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, हम तो केवल बता रहे हैं टूल कैसे काम करते हैं इसके। अच्छा अब मान लीजिए हमें इस पर कोई YouTube का कोई लोगो लगाना है, हम इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे और गैलरी पे आ जाएंगे। अब यहाँ से गैलरी में से हम अपने एक YouTube लोगो चुन लेंगे, जैसे हमने एक लोगो डाउनलोड कर रखा है हमने। नीचे अब जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर लोगो, हमने लोगो सेलेक्ट कर लिया, आ गया यहाँ पर लोगो। अब यहाँ पर आ गया, देखिए इसको छोटा बड़ा सरका के, अब मान लीजिए YouTube का लोगो यहाँ लगाना है, अब लोगो लग गया। अब लोगो को थोड़ा सा हाईलाइट करना है इसको, अब कैसे करना है, बीच वाला है ना, बीच पे क्लिक करेंगे। अब इधर देखिए पिक्चर के लिए बीच वाला होता है और कोई शब्द लिखेंगे तो ए पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे सरकाते हुए जब आएंगे और मान लीजिए हमें इसका कोई स्ट्रोक चेंज करना है, इसके व्हाइट व्हाइट लगाना है तो स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और इसे इनेबल करेंगे। देखिए बगल में व्हाइट हो गया, पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया ये। अगर आपको ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लीजिए, ब्लू करना है तो ब्लू कीजिए, हरा करना है तो हरा कर लीजिए। जो कलर आपको पसंद आए वो कलर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अगल बगल वो उसी कलर में हो जाएगा। तो हम इसको पीला करके छोड़ देते हैं, अब देखिए इसका पीला हो गया ये। अब थोड़ा सा हम इसको पीछे का YouTube जो लोगो है इसके पीछे का अब हमें कलर चेंज करना, तो क्या करना होगा इसके लिए हम फिर सरका इस पे YouTube पे क्लिक करेंगे और जब सरकाते हुए इधर आप आएंगे यहाँ पे जो ये वाला बटन है इस पे क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे। आप देखिए पीछे मान लीजिए हमें ब्लू करना है, हमने ब्लू कर दिया और देखिए जो थोड़ा ब्लर है ना, थोड़ा सा इसको आगे पीछे करेंगे, ये एक्स है देखिए एक साइड में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये वाई से इधर चला जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये एक्स से आगे पीछे होगा ये। आप जहां इसको करना चाहें वहां से बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं एक तरीके से। देखिए ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें कोई स्पेस आपको देना है तो इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे अपने यहाँ पे आ गया बाय डिफॉल्ट में। अब जैसे इसमें बहुत सारी स्पेस है, जैसे स्क्वायर है, गोलाकार में हो गया, चंद्राकार में हो गया, तीर हो गया, त्रिभुज हो गया, बहुत सारे इसमें कमेंट है, इसमें बहुत सारे स्पेस बने हुए हैं आकार, आप जो चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सपोज में हमने ये चुन लिया एक, अब देखिए यहाँ पे इसको सरकाएंगे, इसको यहाँ ले आ दिए। अब इसमें कलर चेंज करना, अभी तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, नीचे जब सरकाएंगे देखिए बहुत सारे कलर, नीला हो गया, लाल हो गया, गुलाबी हो गया, ब्लैक हो गया, हरा हो गया, व्हाइट हो गया, जो कलर आप जाना डालना चाहें इसमें वो कलर को डाल के यहाँ से सही का निशान लगाएंगे, ये कलर चेंज हो गया। अब इसको बड़ा छोटा करना है तो क्या करेंगे आपको, अब देखिए इधर आ जाएगा रिलेटिव साइज है ना, अब इसको आप छोटा बड़ा ऐसा देखिए सरका के कर सकते हैं आप जहां ले जाना चाहे, फिर इस पर टैप करके भी आप इधर उधर कर सकते हैं आप जिधर करना चाहें आप। अब मान लीजिए इस त्रिभुज को हमें YouTube के लोगो के ऊपर करना है तो इसको सरका के ले आएंगे। अब मान लीजिए ये तो ऊपर हो गया लेकिन हमें YouTube को बाहर करना है तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे और देखिए हमें
ये इसी त्रिभुज पे क्या करना है, इसको बैक में कर देना है, यानी जो YouTube का लोगो है उसके पीछे चला जाएगा। जब टू बैक करेंगे ना तो ये टू बैक देखिए YouTube आगे हो गया और वो त्रिभुज जो है पीछे चला गया। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, आप अपने इसको बना सकते हैं। इसमें और कुछ हम डालना चाहें, जैसे हम अपनी तस्वीर को इसमें ऐड करना चाहें, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जाके जैसे हमारा कोई तस्वीर एक है एल्बम में चले गए, हमने एक तस्वीर डाउनलोड कर रखा है, इसको हमने ऐड कर लिया और यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे अपने हिसाब से, बड़ा छोटा अपने हिसाब से यहाँ से कर लीजिएगा। करने के बाद अब इसको सही का निशान लगा के देखिए तस्वीर आ गया। अब देखिए आप छोटा बड़ा जैसा करना चाहें इसी के ऊपर टैप करके कर सकते हैं, जहाँ रखना चाहें अब उसको सरका सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं हमें तस्वीर थोड़ा सा पलटना है, तो देखिए क्या करना होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर सरकाते हो जब आप आएंगे यहाँ पर देखिए रोटेट लिखा है, ये रोटेट है ना, अब इसको जब इधर करेंगे ना देखिए ऊपर नीचे हो गया ये, देख रहे हैं ना अपने आप ऊपर नीचे हो गया। लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं हमें पलटना है इसको, तो नीचे ये थ्री रोटेट दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए ये देखिए ऊपर नीचे हो गया, ये इधर बाएं साइड हो गया, देख रहे हैं आप लेफ्ट लेफ्ट साइड में हो गया ये। जैसे आपको सरकाना है वहाँ अपने हिसाब से करके इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख रहे हैं ये जहाँ जैसे करना है अपने तस्वीर को आगे पीछे इसी से करना है आपको, आपको जैसा सेट करना है वो आप यहीं से सेट कीजिएगा। पीछे अगर कोई हमें कवर लगाना है, कोई कलर चेंज करना है, तो इस पे सेट पर क्लिक करेंगे, फ्री इनेबल कर देंगे, वही जो हमने उसके त्रिभुज पे बताया था वही। मान लीजिए हमें अब इस पे वाइट करना है पीछे से, अब वाइट करके इसको अब हम इधर देख रहे हैं आप, ये इधर आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत सारे कलर इसमें जो है से चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। ये टूल काम कैसे करता है बस मैं यही बता रहा हूँ आपको, आपको अपने हिसाब से इसको अब सेट करना है जैसे सरकाना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं टूल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि टूल काम कैसे करता है, मैं केवल टूल बता रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए ये आप YouTube थंबनेल बना रहे हैं या कोई बैनर बना रहे हैं और बीच में अचानक कोई काम आ गया आपके पास, तो आप यहीं से इसको रोक के जो ऊपर दिख रहा है ना सेव का बटन, इस पर क्लिक करके सेव एज प्रोजेक्ट पे जब जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे और यहाँ से मान लीजिए हमने कुंज लिख दिया, यहाँ पे ओके कर देंगे, ये सेव हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए आप, जब बंद कर देंगे इसे, जब बंद कर देंगे इसे तो ये पड़ा रहेगा। आप दो दिन बाद भी काम करना चाहें तो फिर से फिक्सल लैब को यहाँ से खोलेंगे और फिर से काम कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होगा। अब देखिए हम जैसे फिक्सल लैब को ओपन करते हैं, यहाँ पे जो ओके दिख रहा है ना ओके पे क्लिक कर देंगे, देखिए हम वापस वहीं से शुरू कर दिए जहाँ से आपने इसको छोड़ा था, वहीं पर ये पड़ा हुआ है, ये कोई चेंज नहीं होगा। फिर से आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट इसमें आप काम कर सकते हैं, इसको आगे पीछे देखिए, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, आगे पीछे हो सकता है, आप छोटे मोटे ये पोजीशन है सरका सकते हैं इसको इधर उधर, ये रिलेटिव साइज है, कलर चेंज करने का है, स्ट्रोक है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। आप इसको यहीं से इसको टूल को इस्तेमाल करेंगे और जब ये आपका थंबनेल बन जाए तो ऊपर ये जाए सेव का जो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, सेम इमेज पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपके गैलरी पे चला जाएगा, गैलरी में चला जाएगा और गैलरी से फिर आप YouTube थंबनेल आप लगा सकते हैं। और YouTube पर थंबनेल कैसे लगाते हैं इसका हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप वहां जाके हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि YouTube पर थंबनेल कैसे लगाते हैं, Facebook पर थंबनेल कैसे लगाते हैं, ये ऑलरेडी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर हमारे Facebook पेज पर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और बिल्कुल बारीकी से आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कुछ ऐसी कमी दिख रही होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा, और आप अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आप Instagram पे भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, छोटे छोटे क्लिप होते हैं उस पर, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सबको मंगल शुभकामनाएं।